गेस्ट हाउस है, जो भी टूरिस्ट आते हैं नीचे से उनके पास रुकने के लिए साधन नहीं है। जो आएगा वो गाड़ी लेके आएगा और शाम को वापस चला जाएगा। उनकी मजबूरी है जी, क्योंकि उनके यहाँ पे रुकने के लिए साधन नहीं है जी। तो उस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। मैं टूरिज्म के सीईओ से भी मिलूंगा जी, और उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे एरियाज हैं काफी काफी खूबसूरत है जी। तो यहाँ पे भी जो छोटे छोटे हट बनाए जाए ताकि जो टूरिस्ट आते हैं, जो काफी ज्यादा तादाद में गर्मियों के टाइम में बरसात के टाइम में टूरिस्ट आते हैं, उनको सफर न करें, वो यहाँ पे आए रुके ताकि हम लोगों का जो रोजगार है, हम लोगों को रोजगार मिले। तो चेयरमैन साहब, एक थोड़ा सा रुकता हूँ मैं आपको। जैसे आपने टूरिज्म की बात की, और जो मेरा सवाल नहीं है बल्कि आप लोगों का, जो बनौता के एरिया के लोग हैं वहाँ वाटरफॉल जो वो नज़दीक है, तो उनका भी कहना है कि वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, तो थोड़ा सा आप भी बनौता के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि आप वहाँ अपना भी घर है, तो वहाँ पे थोड़ा वो जो वहाँ पे जो टूरिज्म के बारे में जो है, तो उसके बारे में जो बैठने के लिए आपने बात की कि वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि जल्द वहाँ पे उन लोगों के लिए क्या होगा? मेरी टूरिज्म के जो सीईओ हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैं जल्द ही विद इन वीक मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ के जो एरियाज हैं, इन लोगों इनको प्रमोट किया जाए, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन जो हमारे जो इलाके हैं इनको प्रमोट किया जा रहा है। अब जो है वो टूरिज्म के लिहाज से भी इन लोगों को, हमारे इलाकों को प्रमोट किया जा रहा है, और जहाँ पे छोटे छोटे इको हट बनाए जाए ताकि टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, उनको रहने खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, ताकि यहाँ पे आए वो जो छुट्टियाँ मनाने आते हैं, जैसे टूरिस्ट अभी गर्मियों के टाइम है नीचे जी, तो जो टूरिस्ट आएगा वो हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रुकेगा जी, और हम लोगों का रोज़गार जो है वो चलेगा जी। जैसे टूरिस्ट आएगा हम लोगों का रोज़गार चलेगा, और जैसे टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिज़्म लिहाज से इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, तो हम लोगों का रोज़गार और भी बढ़ेगा। बाकी रहा मसला आरटीसी बस का जी, तो मैं एक्शन साहब से मेरी बात हुई, पिछले दिनों मैंने बात हुई एक्शन साहब से जी जी। तो जो आरटीसी बस है वो बदनौता तक आती है जी। लोहाई के लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो आगे टर्न है, जो मोड़ है जी, वो थोड़ा कंजेस्टेड है जी। वहाँ पे जो इनके पास जो आरटीसी बस है वो थोड़ी बड़ी है, वहाँ पे उसको मोड़ने के लिए दिक्कत आती है। तो मैं जो इनके MD हैं जी, आरटीसी बस के जो MD होते हैं, मैं उनसे मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि अगर इससे थोड़ी छोटी बस मिल जाए तो, ताकि वो यहाँ तक पहुँच सके और लोगों का डायरेक्ट बेनिफिट ले सके। तो चेयरमैन साहब जी, एक मुद्दा और है, जैसे CDPO साहब हैं लोहाई में दफ्तर है और वो यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी एक्चुअली हाल ही में पीछे बदनौता में एक ब्लॉक दिवस हुआ था जी, जिसमें ADC साहब ने शमूलियत की जी, तो मैंने वहाँ पे ये सारे इशू रेज किए जी, और हर बार मैं DC साहब से भी रिक्वेस्ट, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं करण मान सिंह जी, उनसे भी इरादा किया था, मैंने उनके इसके बारे में जिक्र किया था। तो अगर CDPO बसोली फंक्शन कर सकता तो यहाँ भी फंक्शन कर सकता है वो, अगर ऑफिस यहाँ पे है तो फंक्शन उसको यहाँ पे करना चाहिए, ऑफिस यहाँ पे आके बैठे वो, उसको क्या दिक्कत, किसी अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमसे आके रब्ता करें, हम पूरा कॉपरेट, हमारे पब्लिक की तरफ से पूरा उनको कॉपरेशन में लेगा जी, जी। ताकि उनका जो ऑफिस है वो पीसफुली चलता रहे। तो मैं आपके माध्यम से, मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे ऑफिसर हैं, जैसे वीडियो साहब आ गए, वीडियो ये लोहे मिला रहा है, CDPO जी, वो यहाँ पे आके फंक्शन करें, जितने इनका ऑफिस है तो वहाँ, अगर सैलरी यहाँ की ले रहे हैं तो फंक्शन नीचे कर रहे हैं, तो ये कोई बात जमती नहीं है जी। तो मैं हमारी तरफ से, मैं जल्द ही, मैं विद इन वीक अभी मैं DC साहब से मिलूंगा जी, और उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द इनको यहाँ पे भेजा जाए, ताकि हमारे लोग जो सफ़र ना करें। और अभी ADC साहब ने कमिटमेंट किया है कि हफ्ते में कम से कम दो या तीन दिन वो यहाँ पे बैठेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डेज फिक्स रखें, कोई डेट फिक्स रखें, ताकि हम लोगों को पता हो कि ये किस दिन बैठेंगे, मंडे ट्यूसडे बैठेंगे या फिर फ्राइडे सैटरडे बैठेंगे, जब भी हमें दो दिन, हफ्ते में कम से कम दो दिन दे दें, ताकि हमारी जनता जो वो सफ़र ना हो। शुक्रिया सर, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रफीक जी।